दोस्तों, कलर टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस 2 में नजर आ चुके राहुल महाजन, जो एक बार फिर बिग बॉस 14 में एज ए कंटेस्टेंट के तौर पर दिखाई दे रहे हैं और अपने टास्क को कंप्लीट करके दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं और जिसके चलते आज इन्हें किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप राहुल महाजन के बारे में तो सब जानते ही होंगे, पर क्या आप इनके रियल लाइफ पत्नियों के बारे में जानते हैं कि वो कौन हैं, क्या करती हैं और कैसे दिखती हैं? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे और साथ ही बिग बॉस 14 में नजर आ रहे राहुल महाजन के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिग बॉस 14 में नजर आ रहे कॉमेडियन राहुल महाजन का जन्म 25 जुलाई 1975 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए सारी पढ़ाई भी वहीं से पूरी हुई थी। अगर बात करें इनके करियर के बारे में, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में बिग बॉस के सीजन 2 के साथ ही की थी। जैसे ये जीत नहीं पाए, पर आगे चलकर इन्हें काफी टीवी रियलिटी शो में काम करने का मौका मिला, जिनमें छोटे मियां और जुबली कॉमेडी सर्कस जैसे टीवी शोज शामिल हैं। वही वर्तमान में ये बिग बॉस 14 में नजर आ रहे हैं। लेकिन बात करें इनके रियल लाइफ वाइफ के बारे में, तो जिनका नाम नतालिया लिन्ना है, जिनके साथ इन्होंने साल 2018 में घर बसाया है। इनकी वाइफ एक हाउसवाइफ हैं और अपने घर को काफी अच्छे से संभालती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल महाजन ने इनसे पहले दो और शादियां भी कर चुकी हैं। जी हाँ, थोड़ी हैरानी हुई होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल महाजन दो शादियां और कर चुके हैं, जिनका नाम श्वेता सिंह है। इनके साथ इन्होंने साल 2006 में शादी की थी, लेकिन आपसी मतभेद के कारण इनका ये रिश्ता काफी लंबे समय तक नहीं चल सका, जिसके चलते इन्होंने साल 2008 में इनसे तलाक ले लिया। वहीं इनकी दूसरी वाइफ डिंपल गांगुली हैं, जो इनसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अचानक इनके बीच एक छोटी सी बात को लेकर लड़ाई हो गई और इसके चलते इतने कड़वे बोल बोल दिए कि जिसे सुनने के बाद डिंपल गांगुली ने इनसे अलग होने का फैसला कर लिया। साल 2015 में डिंपल गांगुली ने इनसे तलाक ले लिया। दोस्तों, आपको राहुल महाजन के पत्नियों के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।